क्या आपको पता है कि हवाई जहाज को लेकर अंतरिक्ष में क्यों नहीं जा सकते हैं? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अगर समय नाम का कोई चीज ही ना हो, मतलब दुनिया में टाइम ही ना हो, टाइम को ही हटा दिया जाए तो क्या होगा? पता है आपको ईंट हमेशा लाल क्यों होती है? जी हाँ, मैं वही ईंट की बात कर रहा हूँ जिसे घर मकान बनाई जाती है। वो इतना स्ट्रॉन्ग और हमेशा लाल कलर का ही क्यों होता है? इस वीडियो में आप कुछ ऐसे साइंटिफिक फैक्ट के बारे में जानोगे कि आपके मुंह से ना एक ही लाइन निकलेगा। नंबर एक, जब भी आप अकेला लॉनली फील करो ना, तो अपने कीबोर्ड को ओपन कर लो और स्पेस बार को दबाओ। क्योंकि ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी इस रियल टाइम में हर एक सेकंड में 60 लाख लोग किसी ना किसी चीज को टाइप करते हुए स्पेस बार को दबा रहे होंगे। दबाओ, फिर दबाओ, फिर दबाओ, मतलब हर एक सेकंड में 60 लाख लोग। नंबर दो, सेब, आलू और प्याज तीनों के ना आप कभी नाक बंद कर टेस्ट करना, तीनों सेम स्वाद के लगेंगे। पता है आपको, ये बहुत ही साइंटिफिक फैक्ट है। ये इसीलिए ऐसा होता है कि टेस्ट करने का जो ताकत होता है वो लगता होगा आपको कि जीभ में होता है, राइट? लेकिन 80% पावर नाक में जब आप सांस लेते हो तभी होता है। इसीलिए आप कभी नोटिस करना कि ठंडे के दिन में जब आपको सर्दी हो जाती है तो खाना का जो स्वाद है उतना नहीं लगेंगे। नंबर तीन, ईंट हमेशा लाल क्यों होता है? यह मिट्टी से बना होता है, यह तो सबको पता है, पर यह इतना स्ट्रोंग और हमेशा लाल कलर का ही क्यों होता है? जानना है तो देखिए, यह रहा ईंट का कंपोजिशन। ईंट में 50-60% सिलिका, 20-30% एल्युमिनियम, 2-5% लाइम, 8% मैग्नीशियम और 7% आयरन ऑक्साइड ईंट में विद्यमान रहता है। तो इतने सारे चीज़ों को मिलाकर ईंट बनाया जाता है, पर इतने सारे चीज़ों में जो आयरन ऑक्साइड है ना, यही वो वजह है जिसके चलते ईंट हमेशा लाल कलर का होता है। नंबर चार, दोस्तों हम हवाई जहाज़ों को लेकर अंतरिक्ष में क्यों नहीं जा सकते हैं? इसके पीछे का क्या कारण है? दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि एयरक्राफ्ट के इंजन को चलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। चाहे हम किसी भी इंजन को ले लें, चाहे हवाई जहाज को ले लें, कार को ले लें या फिर बाइक के इंजन को ले लें, सभी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और हम भी बिना ऑक्सीजन के ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। जैसे जैसे हवाई जहाज ऊपर जाता रहेगा वैसे वैसे वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है और इंजन को ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से वो चाह कर भी और ऊपर नहीं जा सकता। नंबर पाँच, पता है आपको, अगर आप भी इसी वक्त समय का अस्तित्व ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? इंटरनेट में मानो लंका लग जाएगी, हॉस्पिटल में मरीजें मरना शुरू हो जाएंगे क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं चल पाएगा कि कब दवाइयाँ खानी है और कब नहीं, और आप यात्रा भी नहीं कर पाओगे क्योंकि कौन सी ट्रेन, कौन सी बस कब आएगी, कब जाएगी, किसी भी बात का पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। मानो सब कुछ एक ही टाइम में बीतेगा, मानो सर्वनाश। नंबर छाओ, क्या आपको पता है कि एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा कितने चीज़ों में मास्टर हो सकता है? एक, दो या फिर तीन? आज मैं आपको एक ऐसे जीनियस के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें विश्व के इतने सारे मास्टरी हासिल थी कि उतना किसी स्कूल या फिर कॉलेज में भी नहीं पढ़ाया जाता। उनका नाम है लियोनार्डो द विंची। जी हाँ, लियोनार्डो द विंची एक साइंटिस्ट थे, पेंटर थे, मैथमेटिशियन थे, इंजीनियर थे, राइटर थे और इसके अलावा भी उन्हें बोटनी, हिस्टोरी, एंटोनमी, ज्योग्राफी का भी बहुत सारा ज्ञान था। नंबर सात, आपके बीच में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर मच्छर ज़्यादा किसे करता है, लड़का को या फिर लड़कियों को? तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों पे बराबर हमला करता है, बट जिस बंदा या फिर बंदी का ब्लड ग्रुप ओ है ना, जिस बंदे या फिर बंदे का ब्लड ग्रुप ओ है उसे ज़्यादा करता है, मतलब ज़्यादा पसंद करता है। नंबर आठ, क्या आपको पता है कि हमारी आँख कितने रंगों को देख सकती है? तो आप सिंपली कहोगे सात, है ना, पर ऐसा नहीं है। असल में हमारी आँख केवल तीन ही रंगों को देखती है, लाल, हरा और नीला, और इन्हीं तीनों रंगों को मिलाकर बाकी सारे रंग बनाए जाते हैं
और हमारी आंख 1 करोड़ से भी अधिक रंगों को देख सकती है। क्या आपको पता है कि एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिनों तक बिना सोए रह सकता है? तो आप सिंपली कहोगे 1 या 2 दिन, राइट? वो भी मुश्किल से। पर मैं आपको एक ऐसे बंदा का नाम बताने वाला हूँ जो पिछले 86 सालों से आज तक नहीं सोया है। उसका नाम है थाइनबाउ।